नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। तो आज कुछ रियल टॉक्स हो जाएं, यस रियल टॉक्स, जो कि ऑलमोस्ट हर एक टीनेजर चाहता है। एक्चुअली हम लोग लाइक अपनी लाइफ में वी आर हेयर, अभी क्या कर रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन द मार्क्स वी वॉन्टेड एंड या सब यही सोचते हैं। को लिटरली नहीं पता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th पास आउट भी हो सकता है, 12th में भी हो सकते हो। तो मेरे को कुछ नहीं पता है, आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि तुम लोग एक टीनेजर हो जस्ट लाइक मी, जो कि अभी लाइक वी आर स्टडीइंग, जो स्टडी कर रहे हैं जस्ट लाइक मी। तो अब हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे कि व्हाट आर आर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं खुद एक टीनेजर हूँ, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग थ्रू इन आर लाइफ एंड वी आर ट्राइंग टू लाइक accept those changes that are going on, like there are a lot of changes hai na, and there are a lot of things also, hame sab kuch manage karna hota hai, we have to manage a lot of things as a teenager and hame like future ke bare mein itni zyada sochna padta hai ki hum kya banenge। लाइक कुछ लोग तो अपने काम से परेशान होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी जॉब होती है वो अपने काम के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम लोग तो काम ढूंढने के लिए परेशान होते हैं, राइट। आज का वीडियो का बेसिकली टॉपिक क्या है, हाँ आज के वीडियो का टॉपिक यही है ना कि व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ होती नहीं है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो तुम लोग कहोगे कि यार ये खुद 12th में होके 12th की स्ट्रैटेजी बता रही है, और अगर मैं नहीं बताऊंगी फिर तुम लोग कहोगे कि जस्ट एक लाइक क्लिक बेट दे दी है इसने, क्या होता है वो पता नहीं क्या होता है, तो मतलब इसने जस्ट वीडियो में लाइक व्यूज लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बट स्टिल शायद हो सकता है तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल हो एंड तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्कैर्ड होना बोर्ड एग्जाम से उतना मैं भी स्कैर्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं लाइक मैं स्टडी ब्लॉग्स बना रही हूँ, दैट डजेंट मीन्स कि आई नो एवरीथिंग, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू एंड जस्ट स्टडी ब्लॉग्स तो तुम्हें पता ही है क्यों बना रही हूँ मैं, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लेना वाई आई पोस्ट स्टडी ब्लॉग्स। तो ऐसा कुछ है कि स्टडी ब्लॉग्स बनाने से हमारी टेंशन नहीं गायब हो जाएगी, हम सबसे इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे, हम टॉपर नहीं बन जाएंगे, तो वो चीज़ सबके माइंड में होती है, दैट डर, वो जो बोर्ड्स का डर होता है वो हर एक पर्सन, हर एक टीनेजर के दिमाग में होता है एंड मेरे दिमाग में भी है, मुझे बहुत डर लग रहा है इस साल, बट स्टिल अब डरने से कुछ होगा नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है जिसमें लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे से कि हाँ डरेंगे तो कुछ होगा नहीं, उससे हमारी पढ़ाई बल्कि बेकारी इफेक्ट हो पड़ रहा है उस पर, मतलब बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जो चीज़ लाइक हमें पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं कि हाँ हमने पास्ट में पढ़ाई करी नहीं, बट वो पास्ट कभी चेंज तो हो नहीं सकता है, वो टाइम तुम्हारा वापस तो आएगा नहीं, बट जो आगे का टाइम है वो हम अच्छे से यूज़ करें, यूटिलाइज करें, दैट इज़ द मेन थिंग। अब देखो पीछे के रिग्रेट्स बिल्कुल भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ देखो जब स्टार्ट हुई होगी क्लास तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी है वो तो तुम्हें पता होगा, बट जितनी भी करी है ना उसके लिए थैंकफुल हो पहले तो, कि हाँ आई एम थैंकफुल कि जितनी भी करी तो मैंने, और किस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है कि अभी आई एम हैविंग सम मोर टाइम लेफ्ट, जितना भी टाइम बचा है, ये नहीं है कि अभी मैं बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठा और फेल हो जाऊँगा, नहीं, आई हैव सम टाइम स्टिल लेफ्ट एंड आई एम गोइंग टू डू ट्राई माई बेस्ट इन दिस टाइम ऑल्सो। वैसे तो अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है बट स्टिल अगर कोई बाद में देख रहा है इस वीडियो को तो उसके लिए आई एम गिविंग यू द सजेशन कि या डोंट डू इट लाइक दैट, बिकॉज पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बट देखो क्या हुआ था ना, 10th में मैंने बहुत रिग्रेट किया था एक टाइम पे कि शुरू की 10th मैंने बहुत वेस्ट कर दी, बट स्टिल एट द वेरी एंड जो मैंने एक टाइप से हार्डवर्क किया था पास्ट की चीज़ों को भूल के, उसके वजह से कम जितने भी आए, जितने मैं डिज़र्व करती होंगी उतने मेरे आए मार्क्स एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। अभी मैं बहुत खुश हूँ मार्क्स से, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, दे आर सो ओके फॉर मी। गाइज वट विल हैपन इन फ्यूचर, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रेजेंट एज अ गिफ्ट, तो वैसे हम उसको यूज करेंगे, विल यूटिलाइज, तो ऑफकोर्स काम बन जाएगा एंड कॉन्सिस्टेंटली पढ़ना इज माई मेन थिंग, माई मेन स्ट्रैटेजी यू कैन से, इट्स जस्ट लाइक अ प्लान नॉट स्ट्रैटेजी, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता है कि
कैसे जो है बोर्ड्स में एक्चुअली अच्छे मार्क्स लाएंगे, लाइक ला सकते हैं, तो वो तो उनको ही पता होगा ना जो ला चुके हैं. और आई डू रियली होप सो कि तुम लोगों के भी अच्छे मार्क्स आए, हमारे भी अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ सही जाए, सब कुछ सही जाए. एंड तुम लोगों में से भी किसी के बोर्ड्स हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. एंड जो बाद में लाइक अभी 9th या 11th में है तो अगले साल तो तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट. बड़ी जल्दी दे दिया मैंने तुम्हें ऑल द बेस्ट. एंड जिसके हो चुके हैं ऑल द बेस्ट रिलेटेड, ठीक है. तो या अभी के लिए यार डू गाइस सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माय चैनल. एंड आई पोस्ट स्टडी व्लॉग्स डालती हूँ मैं, स्टडी रूटीन्स एंड मच मोर रिलेटेड टू स्टडीज में डालती रहती हूँ. तो हाँ, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.